दिल को छूने वाली और मन को भाने वाली ये तस्वीरें हैं कब्रिस्तान की। जी हाँ, सही सुना आपने। मेवात के गांव मंडार का में सरपंच और गांव के लोगों ने मिलकर कब्रिस्तान को एक नई दिशा देकर अपने गांव को मेवात ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में एक अलग पहचान देने का काम किया है। लाखों करोड़ों की लागत से सजाया गया मंडार का गांव का ये कब्रिस्तान अब पूरे हरियाणा में एक आकर्षक केंद्र के रूप में मशहूर होने लगा है, जिसमें बैठने के लिए पार्क, निकलने के लिए पक्के रास्ते, जगह जगह तरह तरह के रंग बिरंगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कोई गार्डन या बाग बगीचा है। लेकिन जब एटीवी हरियाणा का कैमरा इसकी पड़ताल करने के लिए गांव मंडार का पहुंचा और लोगों से इस बारे में चर्चा की तो बहुत कुछ निकल कर सामने आया। सबसे पहले आपको इस नज़ारे को चारों ओर से दिखा देते हैं, उसके बाद गाँव वालों से पूछते हैं क्या है इसकी सच्चाई। हमारे यहाँ पे दरअसल में सबसे पहले शिकारपुर में बढ़िया कब्रिस्तान थे। हम वहाँ मिट्टी देने के लिए गए, हमारा समधी गुजरा था, तो उसी समय हमने सोचा कि भाई हम भी अपना कब्रिस्तान इसी तरीके के बनाएंगे। फिर उसके बाद में गांव में भाई काम हुआ, काम होने के बाद में गांव के लड़कों ने जितने भी इसमें मदद करी है, 200-250 लड़कों ने काम करा है, पूरे गाँव ने, सरकार ने पैसा दिया है, कुछ अपने घर से भी लगाया है। और रही इस चीज़ की बात, इस पर हमने जो आदमी कर रखा है, सरपंच अपनी सैलरी है उसको देता है, और हमने इसीलिए करा है कि भाई ताकि सभी को पूरे मेवात में ये लगे कि भाई कोई चीज़ है, मेवात नहीं पूरे हरियाणा में ये लगे भाई कोई कब्रिस्तान है। हमने इसी सोच से ये बनाया है और हमारे बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं ताकि साफ सफाई रहे। यहाँ पर पहले बहुत गंदगी रहती थी, ऊंचा वो रहता था, बना खड़ा हो, इसमें पूरा साफ सफाई करवाया। अब हर महीने में सफा करवाते हैं। 3 मौल साहब हैं हमारे, तीनों को अलग अलग पोर्शन दे रखे हैं, हर महीने सफाई होती है। और जो हमने इस पर आदमी कर रखे हैं वो हर रोज़ सफाई करते हैं, जितना भी पेड़ पौधों में देखना या कोई भी काम है, दवाई लगानी पेड़ में, कोई भी कुछ भी करना, वो एक परमानेंट आदमी कर रखे हैं हमने। इस फूलों से चहचहाते पेड़ पौधे, हरी भरी हरियाली, तो जब लोग यहाँ पे आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बाहर के लोग भी यहाँ आते होंगे? बाहर की जमातें बहुत आती हैं देखने के लिए, विदेशों की जमातें बहुत आती हैं देखने के लिए भाई कब्रिस्तान कैसा है। बाहर से इस 84 साइड से, अपना जखोपुर साइड से स्पेशल टीम आई थी यहाँ देखने के लिए, फिर उन्होंने अपने कब्रिस्तान में यहाँ देख के फिर उन्होंने अपने कब्रिस्तानों में जा कर काम करा है। यहाँ से मेवात में काफ़ी गाँव में साफ सफाई करी है, पर सरपंच जो सहयोग नहीं देगा तो गांव क्या करेगा? क्या संदेश देना चाहते हैं मेवात के लोगों के लिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले भाई जहां हमारे बुजुर्ग हैं उनके कब्रिस्तान ऐसे होने चाहिए, हाँ हर एक का जी करे जैसे हमारे हैं, हर एक का जी करे ताकि कोई पेड़ देखने के लिए आ जाए, कोई वैसे खूबसूरती देखने के लिए आए, दुआ दरूद पड़ जाए। अब जिस जगह बैठने को जाने को कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ कैसे जाएगा? इसमें सबका सहयोग है जी, गांव वालों का भी सहयोग है, सरपंच का भी है, और इसमें जो भी हुआ है सरपंच के गांव वालों का मिलकर ही हुआ है। यहां बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी पहले गांव में, इसमें कब्रिस्तान में, फिर यहां शिकारपुर में एक कब्रिस्तान थे हमारे यहां, वहां देख के एक बार आए थे, उनकी वजह से देख के फिर यहां ये काम कराया। इसमें सारे रोड वगैरह भी बनवाए, इसमें एक चौकीदार रख रखा है सरपंच ने, वो उसे तनख्वाह दे रहा बराबर, और इसमें जो भी सहयोग कर रहे सारे गाँव वालों का ही है। तो अपने इलाके के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही है जी, जितने भी मेवात में हैं, जितने भी गांव हैं, पंचायत है, सारे सरपंच ये अपने ये सोच के जो भी जाए या कोई देखे, वीडियो भी देखे तो ये देखे कि भाई अपने गांव में मैं सर कैसे कब्रिस्तान में काम करवाए, शमशान घाट में आदमी काम करवाए, क्योंकि हम आने वाले हम भी यहीं आएंगे, हमारे बुजुर्ग भी यहीं हैं, और साफ सफाई रहे बहुत बेहतर है। और हमारे यहाँ ईदगाह भी है इसमें कब्रिस्तान में अंदर, यहाँ भी नमाज पढ़ लेते हैं और इधर हमारे पार्क है, बहुत बड़ी पार्क बना रखी है, इसमें भी नमाज होती है, और यहाँ बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दूर दूर से यहाँ देखने भी आते हैं, और इधर 84 गांव के भी 2-3 बार आए थे, वो भी ये कह रहे थे हम
और कुछ हमारी वीडियो देखते हैं, एक दो बार और प्रेस वाला आए थे, उन्होंने भी मेवात में जाकर ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा कब्रिस्तानों को आपके पंचायत ने साफ सफाई कराई थी।